हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो? तो दोस्तों, मतलब आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में आपको मतलब नेपियर ग्रास के बारे में बताया जाएगा, तो उन पशुपालकों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मतलब जो फार्म, मतलब गाय का फार्म करते हैं, लगाते हैं, और मतलब घर पे 3-4 भैंसे हैं या 2-3 गाय हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी मतलब बहुत सारा घास खरीद खरीद के थक गए हो, या ग्रीन घास खेत पे लगाते हो, रजका जो दूसरा ज्वार आता है वो भी लगा के एक बार कटा और दूसरी बार नहीं आता, रजका भी आता लेकिन छोटा आता इतना हाइट में, वो भी काट काट के हमारे पशुओं की मतलब पूर्ति नहीं होती, तो पूर्ति करने के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये। तो आज आपको मैं ये बताऊँगा कि नेपियर घास मतलब कैसे लगाते हैं, कैसे पशुओं को खिलाते हैं, और कितना उसका दूध में इंक्रीज होता है या नहीं होता है, और मतलब पशु खाता है या नहीं खाता, ये इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमने भी यहाँ पे मतलब नेपियर घास लगा रखा है, इसको कम से कम 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं लगाए हुए हैं, जो आपको कम से कम ये 12 से 14 फीट की हाइट में मिलती हैं। ये एक बार अगर आप इस घास को लगा दोगे ना, तो आपको 5 से 7 साल तक को मतलब वापस नहीं लगाना पड़ेगा। आप जितनी बार इसको कट करोगे, वो मतलब नीचे से वापस आ जाएगी। कट कर करके भी आप थक जाओगे, और पशुओं को डाल डाल के मतलब पशु भी मतलब इतना स्वादिष्ट खाना खाता ना, तो आप देखते रह जाओगे। और ये इस नेपियर घास को कैसे लगाना है और कहाँ से आपको लेना है, इस वीडियो में आप बने रहना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ घास को मतलब ये नेपियर घास कैसे लगाई जाती है खेत में। तो आप ज़रा बाजू में आ जाइए, तो दोस्तों आपको सबसे पहले मतलब ये एक कड्डी होती है, ये मतलब इसको दो फीस होता है, दो गांठ होती है, एक गांठ ये, एक दो ये गांठ है, इसको आप कट कर सके ये दो गांठ हो जाती है। ये गांठ मतलब ये आपको ज़मीन में लगाना है और ये गांठ ऊपर रखनी है। जैसे कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इसको ये गांठ दिया ज़मीन में, एक गांठ अंदर जाना चाहिए और एक गांठ बाहर रहना चाहिए। और इसको लगाने का तरीका ये है, आपको एक और मैं आपको ले लेता हूँ, दो ले लेते हैं, ठीक है? तो आप इसको एक यहाँ लगा दिया, उस दूसरा आपको कम से कम इसको 2.5 फीट आपको दूर रखना है, 2.5 फीट आपको दूर रखना है। इतना दूर रख के आप लाइन वाइज एक लगा दें। और लगाने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप मतलब एक क्यारी भी बना लगाते हो तो उसमें ज़्यादा पानी चाहिए, मतलब राजस्थान एरिया हो गया या हरियाणा, हरियाणा में बारिश होती है। जैसे राजस्थान की अगर बात बताऊं तो आपको मतलब आसाम कम बारिश होती है, तो आपको लाइन वाइज लगा देना है और इसमें आपको ड्रिप सिस्टम कर देना है। ड्रिप सिस्टम में आपको बूंद बूंद भी अगर आप आधा घंटा पानी छोड़ते हो ना, तो भी इसके आराम से पीले हो जाती है। एक लाइन वाइज लगा दें, और ये लगाने के बाद में आपको मतलब एक सप्ताह में इसका दूसरा यहाँ से खूंटा है, यहाँ से आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस कटाई की बात करें तो दोस्तों, इसको 2.5 महीना, कम से कम 2 या 2.5 महीने में से आप मतलब 5-6 फीट 7 फीट तक आ जाएगी, और उस टाइम आप कटिंग कर देंगे तो सेकंड बार आपको मतलब 3-4 साइड में निकल जाएगा। फर्स्ट टाइम एक ही रूट निकलेगा उसका, और सेकंड टाइम में 3-4 रूट और निकल जाएगा। जितनी बार आप इसको कट करते रहोगे तो उतनी बार आप साइड साइड में लगाओ। देखो, हमने यहाँ लगाया था, मतलब ये एक ही पीस लगाया था यहाँ पे, और इसको 3 साल हो गए। देखो, एक पीस लगाया था, कितना बड़ा हो गया है आप देख सकते हो। तो हमने ये 3 साल हो गए हैं, और ये मतलब हम गाय को कैसे खिलाते हैं। अगर आपको मैं बताऊंगा कि ये नीचे वाला जो डंटल रहता है, अब गाय को तो ये पूरा खाएगा नहीं क्योंकि हार्ड होता है, इसका लिप लिप खाता है अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक चाप कटर भी रखा है। चाप कटर दिखाता हूँ और कैसे हम कटिंग करके कटिंग डालते हैं। तो अगर आपको ये मतलब बीज का, इसका मतलब बीज तो आता नहीं है, इसका ये रूट आता है, रूट को ही आपको लगाना पड़ेगा। तो इसको कट करके आप ऐसा लगा सकते हो, और मतलब इसका बीज नहीं आता है। और अगर ये आपको लेनी है तो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दूंगा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और केवल डिलीवरी चार्जेस लगेगा केवल आपको। तो दोस्तों, आपको चाप कटर दिखाने से पहले मैं एक बार ये भी बता देता हूँ, ये सारा हमने कट किया है, हमारे पास 25 से 30 पशु हैं, ये कटिंग किया हमने 4 दिन के लिए। ये 4 दिन में इतना खाना हो गया हमारा, मतलब 4 दिन में ये ख़त्म नहीं होता है, 4 दिन के लिए इतना सारा कटिंग किया। अगर आप 2 बीघा भी आप लगाते तो आपके पास 25 पशु है, तो आपको कहीं से चारा, हरा चारा, सूखा चारा खरीदना नहीं पड़ेगा। तो हमने ये मतलब 20 दिन पहले यहाँ से कटिंग किया,
तो ये 20 दिन में इतना हाइट वापस आ गया। मतलब इतना इसका फास्ट ग्रोथ होता ना, तो आप देख नहीं सकते हो। लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि खाद में आप देसी गोबर डालना है और आराम से जुताई करके बाद में इसको लगा देना है। और इसका लगाने का समय मैं बता देता हूँ आपको, ये साल में आप कभी भी लगा सकते हो। मतलब सबसे बेस्ट समय इसका रहेगा बारिश में, बारिश के समय में लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर बारिश के समय आप नहीं लगाना चाहते हो तो अभी आप किसी भी समय लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो दोस्तों यहाँ से हमने चॉप कटर रखा है और इस चॉप कटर में आप कटिंग करते हैं, और कटिंग करने का आप वीडियो देख सकते हो, हमने ऐसे कटिंग की है। तो आप चॉप कटर से ऐसा कटिंग करके आपको बारीक बारीक से, मतलब ये बड़ा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, उसमें आप घास को आराम से खिला सकते हो। तो दोस्तों हमारा गाय कैसा खाना खाती है उसको बहुत ही पसंदीदा है। तो दोस्तों ये हमारे गाय में हमारे पास एक गिर गाय का फार्म है, तो हमने यही मतलब आज से 4 साल तक हमने नेफियार घास ही खिलाते हैं हम। इसमें थोड़ा सा मतलब राइस का खाना आता है ड्राई, वो मिक्स करते हैं। आपको दिखाते हो हमारा गाय कैसा खाना खाती है, आराम से, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं खाने में, और आराम से स्वादिष्ट खाती है। और इसका टुकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, देखो इतना छोटा छोटा, आराम से इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती है। जो बड़ा वाला डंटल मैंने बताया ना नीचे, अगर वो डालेगा डायरेक्ट तो वो उसका नीचे वाला डंटल ऐसे ही वेस्ट करेगा। तो आप चॉप कटर में कटिंग करके खिलाओगे तो बहुत ही अच्छा खाएगी। और मैं आपको ये बताता हूँ कि केवल आप नेपियार ग्रास यानी हरा चारा ही खिलाओगे तो मतलब हमारे पशुओं में चांसेस रह गए कि लूज मोशन होने का, तो उसमें आप थोड़ा सा ड्राई फूड भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ड्राई फूड ऐसा हो, मतलब या तो आप मक्का, सूखा मक्का आता है उसको भी साथ में कटिंग करके खिला सकते हो। तो हमारे पास सूखा मक्का अवेलेबल नहीं है, तो हम राइस का खाना आता है यानी कि चावल का, तो हम उसको कट करके उसके साथ में मिक्स करते हैं ताकि पशु को लूज मोशन होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये नेफियार घास आप लगाओ, इसमें आपका दूध में भी इंक्रीज हो जाएगा 100%, और आपके पास कभी भी ऐसी साल्टेज मतलब समस्या ही नहीं होगी कि हमारे पास आज पशुओं के लिए खाना नहीं है। और खाना इस टाइम इतना महंगा हो गया ना, तो आप मतलब ख़रीद नहीं पाते हो। तो अगर ख़रीदते हो तो आधा हम दूध में सेल कर, दूध डेयरी पे देते हैं, तो उसका पैसा हमारे खाना में चला जाता है। तो आप घर पे मतलब अपने खेत में लगाओ ये खाना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आराम से मतलब स्वाद से गाय खाता है, पशु भैंसा कोई भी हो आराम से खाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए महत्वपूर्ण लाते रहेंगे, और फिर मिलते हैं हम कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।